एकदम ही मैं आपका एकदम तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये आरजीकौर मेडिकल कॉलेज का जो इमरजेंसी बिल्डिंग है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ मचाया गया था। इधर पूरा जो आरजीकौर मेडिकल कॉलेज का एंट्री गेट है, वो एंट्री गेट से ये पूरा तोड़फोड़ मचाया गया था। मैं एक बार बोलूँगा, एकदम पहले जो जगह एंट्री जो पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट का से दिखाने के लिए, क्योंकि ये पूरा घटना का शुरुआत हुआ इस एंट्री पॉइंट से। आप देख ही सकते हैं ठीक एंट्री पॉइंट का सामने पुलिस बैरिकेड है, पुलिस बैरिकेड इधर मौजूद है। ये पुलिस बैरिकेड को तोड़ा गया था, उसके बाद ही ये जो पुलिस कियोक्स, इस जगह में पुलिस कियोक्स होता था, ये पुलिस कियोक्स को तोड़ा गया। पुलिस कियोक्स को पूरा उखाड़ कर फेंक दिया गया। पुलिस कियोक्स का जो फैन, वो फैन को भी तोड़ा गया। पुलिस कियोक्स को पूरा तोड़ कर उनको पूरा जो जगह से हटा दिया गया। और उसके बाद ही जो ये जो पूरा गैंग था, वो गैंग, ये जो प्रोटेस्ट का स्टेज, जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट किया जा रहा था, ये स्टेज को पूरा तोड़ा गया। स्टेज को पूरा जो जो जगह तैयार किया गया था, ये जगह में पूरा हमला किया गया। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो निशान पड़े हुए हैं। जो लोग इधर शामिल थे, जो लोगों की तरफ से इधर हमला किया गया था, वो किस तरीके से इधर आए थे, और ये जो पूरा जगह, ये जगह को तोड़फोड़ मचाया। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, ये जो प्रोटेस्ट का मंच, प्रोटेस्ट का जो स्टेज, ये को किस तरीके से तोड़ा गया था। और जो भी इधर मौजूद थे, जो स्टूडेंट्स इधर मौजूद थे, जो डॉक्टर्स इधर मौजूद थे, जो लोग प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया। उसके बाद ही वो जो पूरा मॉब एंटर किया ये इमरजेंसी वार्ड में, जिस इमरजेंसी बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर में वो डेड बॉडी रिकवर हुआ था, उस इमरजेंसी वार्ड को तोड़फोड़ करने का काम चालू। मैं एक बार दिखाऊंगा फिर से, एकदम इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी को पूरा तोड़ दिया गया था। जो कोलेप्सिबल गेट है, वो कोलेप्सिबल गेट को तोड़ा गया था। आरजीकौर मेडिकल कॉलेज का जो बोर्ड, वो बोर्ड को तोड़ा गया था। और उसके बाद ही जो प्रोटेस्टर, वो प्रोटेस्टर अंदर पहुंच गए थे, अंदर जाके पूरा तोड़फोड़ मचाया, यानी एसी को भी नहीं छोड़ा। अब देख ही सकते हैं जो एसी है, एसी का जो आउटर पार्ट है, वो आउटर पार्ट को भी नहीं छोड़ा गया। उसके बाद ही इमरजेंसी वार्ड का जो दूसरा साइड, यानी दूसरा जो एंट्री गेट है, वो दूसरा एंट्री गेट में हमला किया गया। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पूरा हमला चलाया गया। करीब आधे घंटे के ऊपर ये पूरा हमला चलाया गया। जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी का जो एंट्री गेट है, उधर पूरा तोड़फोड़ मचाया गया। आप पूरा तस्वीर से देख सकते हैं, जो आरजीकौर मेडिकल कॉलेज का जो बोर्ड, वो था, जो लाइट्स है, वो लाइट्स को तोड़ दिया गया था। और उसके बाद ही अब देखिए, मेरा ठीक सामने ये जो कियोक्स, ये कियोक्स पेशेंट का हेल्प डेस्क था। पेशेंट के परिवार की तरफ से इधर आके हेल्प डेस्क में कांटेक्ट किया जा सकता है। इधर पूरा तोड़फोड़ मचाया गया। कांच अभी भी पड़ा हुआ है। अब देख ही सकते हैं कि किस तरीके से अत्याचार किया गया, किस तरीके से तोड़फोड़ मचाया गया। जो प्रोटेस्टर इधर आए थे, जो मॉब इधर घुसा था, उनके तरफ से पूरा टारगेट किया गया था कि आरजीकौर मेडिकल कॉलेज के ऊपर हमला किया जाएगा। और उसी हमले का नतीजा आप देख ही सकते हैं कि एकदम अभी भी पड़ा हुआ है। इस तरीके का जो पत्थर, वो पत्थर से ये पूरा तोड़फोड़ मचाया गया। मैं एक बार दिखाऊंगा, इस तरीके का जो पत्थर, ये पत्थर देकर ये पूरा तोड़फोड़ मचाया गया। आप देख ही सकते हैं पूरा हर जगह में ये पत्थर फेंका हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है। जो जूता है, वो जूता भी पड़ा हुआ है। किसी का टिफ़िन था, वो टिफ़िन बॉक्स भी पड़ा हुआ है। यानी जो इधर हेल्प करने के लिए बैठा रहता है, उनके ऊपर हमला का घटना घटा। उसके बाद ही ये जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी बिल्डिंग का, आप देख ही सकते हैं पेशेंट भी इधर मौजूद है। यानी इस जगह में पेशेंट भी रहता है, पेशेंट भी इधर मौजूद है। और इसी जगह में पूरा तोड़फोड़ मचाया गया। आप देख सकते हैं पूरा दरवाज़ा का जो कांच, वो कांच भी किस तरीके से तोड़ा गया था। मैं एक बार अंदर का तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि अंदर में भी जो तोड़फोड़ का सिलसिला, वो सिलसिला चलता रहा। आप देख ही सकते हैं ये इमरजेंसी वार्ड है, और इमरजेंसी वार्ड का एंट्री में ये पूरा जगह को तोड़ा गया। ऊपर का जो बोर्ड, वो बोर्ड को भी तोड़ा गया था। जो कांच था, वो कांच को भी तोड़ा गया था अंदर में। उसके बाद जो प्रोटेस्टर है, वो प्रोटेस्टर की तरफ से उधर अंदर पहुँचे। अंदर पहुँचने के बाद
जो ऑफिस है उनको भी हमला किया गया, जो इमरजेंसी वार्ड का अंदर का जो जिधर ट्रीटमेंट होता है, जिधर मशीन रहता है उधर तोड़ा गया। आईसीयू जो वार्ड है उनको, उनके ऊपर भी हमला किया गया, आईसीयू को भी तोड़फोड़ किया गया। यानी फिलहाल अब पूरा जो तस्वीर अभी का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन देखने के बाद ही मालूम पड़ता है कि किस तरीके से हमला किया गया था, किस तरीके से मॉब आए थे। मॉब आने के बाद करीब आधे घंटे के अंदर पूरा यह घटना का अंजाम दे दिया। आधे घंटे के अंदर ही पूरा जो आरजी कौर का तस्वीर वो तस्वीर बदल गया था, क्योंकि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में बार बार से प्रोटेस्ट चल रहा था, इंसाफ के लिए बार बार से प्रोटेस्ट चल रहा था, ये जो लड़की का मौत हुआ है उनको जस्टिस दिलाने के लिए। मगर उसी टाइम पर जब वुमेंस की तरफ से, पश्चिम बंगाल का जो महिला है आम घर का महिला, उनके तरफ से जब एक प्रोटेस्ट रैली किया गया, उसी प्रोटेस्ट रैली से एक मॉब आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का एंट्री गेट तोड़कर, पुलिस बैरिकेड तोड़कर अंदर पहुंच के पूरा आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के ऊपर हमला कर दिया। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो इमरजेंसी वार्ड है उसके ऊपर हमला कर दिया। इसी सिचुएशन में इसको लेकर फिर से एक बार पॉलिटिक्स हो रहा है बंगाल में, क्योंकि एक तरफ ये पूरा घटना को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्टली क्लेम किया जा रहा है कि इस घटना के पीछे बीजेपी और सीपीआईएम, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो पुलिस पर्सनल इधर मौजूद रहते हैं उस तरीके का पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था। मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊंगा कि किस वजह से बीजेपी की तरफ से इस तरीके का क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि आप ठीक देख ही सकते हैं मेरा सामने ये जो जगह है, जो एंट्री गेट है, उस एंट्री गेट में हर वक्त पुलिस मौजूद रहता है, हर वक्त पुलिस का जो टीम वो टीम इधर मौजूद रहता है, और पुलिस की तरफ से पूरा जगह को एकदम सिक्योर करके रखा गया है। पुलिस पर्सनल इधर मौजूद रहता है और इधर में पुलिस का जो बैरिकेड, वो बैरिकेड भी इधर मौजूद है। तो उसके बावजूद किस तरीके से ये मॉब अंदर आ पाए, ये सवाल ही बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ये जो जगह आप जो जिस जगह देख रहे हैं अभी, जिस जगह में करीब अभी 150 से 200 पुलिस ऑफिशियल्स इधर मौजूद है, पुलिस का हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इधर मौजूद है, तो उसी जगह में किस तरीके से ये मॉब अंदर घुस पाए, यही एक सवाल बार बार से सामने आता है। क्योंकि उस रात को जब एक प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड वैसे एक रैली आने वाला था, जब जिस रैली का इन्फॉर्मेशन पहले से ही पुलिस के पास था, उस टाइम में किस तरीके से मॉब अंदर आ पाए, ये सवाल ही अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि CPIM और BJP, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये पूरा घटना घटाया गया। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो हमले का घटना, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मेंबर्स है उनके तरफ से ही किया गया। कुल मिला के बोल सकते हैं आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो तोड़फोड़ का घटना घटा इसको लेकर अभी भी पॉलिटिक्स जारी है। मगर दूसरी तरफ ये पूरा घटना में अभी तक पुलिस की तरफ से 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 10 लोगों को कल ही पुलिस हिरासत में लिया गया था, और आज फिर से 9 लोगों को सियालदा जो कोर्ट है उधर पेश किया गया पुलिस की तरफ से, उनको भी पुलिस रिमांड में लेने का मांग पुलिस की तरफ से किया जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.